कि मेरे लिए ही दोस्त तो राहुल है कवारा, सड़कों पे मारा फिर रहा है देखो बेचारा। मेरे लिए ही दोस्त तो राहुल है कवारा, सड़कों पे मारा फिर रहा है देखो बेचारा। मेरे लिए ही योगी जी दिल्ली में आ बसे, मेरे लिए ही योगी जी दिल्ली में आ बसे। मोदी जी कह रहे हैं दीपू मैं हूँ तुम्हारा। चार पंक्तियां और दीपाली के भाग्य में लिखी थी, जो भारी भरकम कवित्रियां होती हैं उन्हें दो बार बुलाना पड़ता है। मैं दोबारा यहाँ चार पंक्तियां खर्च करता हूँ दीपाली जी के लिए कि आजमाकर इश्क का दर देख ले, आजमाकर इश्क का दर देख ले, या जमाने का ही तू डर देख ले। इश्क शब्दों में बयां कैसे करूं, पास आ दूरी मिटा कर देख ले, पास आ दूरी मिटा कर देख ले। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बाकी हमारे रसिक जी कह रहे थे अभी बड़ी बातें, बाहों में आके देख ले और पास आके देख ले और ब्रह्मचारी बने पे ध्यान मत दियो। तो आप सब समझ गए होंगे कि रसिक नाम इनका माता पिता के द्वारा दिया हुआ तो नहीं हो सकता। ये हरकत देख के मोहल्ले की औरतों ने ही रखा है। अगर आनंद आया हो तो तालियां उठाओ जरा। और अब ऐसे ही आनंद से सुनना, मन में आनंद रखना, चेहरे पे आनंद रखना और हाथ जरा खोलो, गर्माई आती है बदन में। अब सुनो, मेरे छोटे भाई ने बहुत बढ़िया वीर रस पढ़ा अभी यहाँ पर, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और एक बात बताऊं आप सबको, जो ये वीर रस का कवि होता है ना, ये अपने से बड़ी तोप किसी को नहीं समझता। ये कहता है चाहे किसी भी रस का कवि यहाँ आ जाए, भाई साहब ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने गौर से आप सुन रहे हो कोई नहीं सुन रहा, इतने गौर से सुन रहा, आप ताली बजानी भी भूल जाते हो, अब की मत भूलना। तो मैं आपको बताऊं, जो वीर रस का कवि होता है ना, वो अपने से बड़ी तोप किसी को नहीं समझता। वो कहता है मंच पे जाके असली झाऊ तो मैं ही मचा रहा हूँ, पाकिस्तान और चाइना की बैंड तो मैं ही बजा रहा हूँ, ये अलग बात है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात को 2:30 बजे जब घर जाता हूँ ना, तो फोन करके बीवी को गली के बाहर बुलाता हूँ, लेने आ जा गली में कुत्ते हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रस्तुति बहुत अच्छी दी, आप सबने तालियां भी बहुत मन से बजाई। और जब किसी कवि को इतनी तालियां मिलती है ना तो बहुत खुशी होती है, सचमुच दिल से बहुत खुशी होती है, केवल उस कवि को, बाकी सारे कवियों की छाती पे ना सांप लौट जाते हैं। मैं सही बता रही हूँ, भीतर ही भीतर इतनी जलन होती है ना, बताया नहीं जा सकता। अच्छा, जलन से याद आई, आपको जलन की बात बताऊं। अभी मेरा विनोद बैठा है काड़िया, इसने फेसबुक पर एक फोटो डाली अपनी। अब उस दिन अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लगा तो मैंने भी लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया। मैंने कहा भाई बड़ी कटिकन डांप लग रहा है यहाँ तो आज तो। अब इतनी देर में हमारे रसिक गुप्ता जी के मन में जलन का ज्वाला फूटा। इन्होंने कमेंट करा वहीं फेसबुक पर ही, कमेंट करके क्या कहते हैं, कहते हैं इसकी ना ये फोटोशॉप वाली फोटो है। मैंने कहा अच्छा जी, समझ गई। अब इतने पे भी इन्हें शांति नहीं पड़ी, तुरंत इसके आधार कार्ड वाली फोटो लगाई, कहते हैं देखो असलियत में ये ऐसा दिखता है ऐसा। मैं क्या, हाँ जी मैं समझ गई। अब इतने पे भी इनकी छाती के सांप नहीं उतरे, फौरन अपनी फोटो लगाई, कहते संचालन कौन कर रहा है कार्यक्रम का। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। अब मैं इनकी फोटो पे लाइक और कमेंट देने वाली थी कि हमारे मफतलाल जी ने अपनी फोटो डाल दी। कहते बेटा संचालन कोई भी कर रहा, लिफाफा तो मैं ही दूंगा तुम्हें। अच्छा, मुझे फेसबुक से याद आया, हमारे निर्मल जी बैठे हैं यहाँ अभी, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी का भाभी जी वो बैठी श्रीमती जी को एक बड़ा खूबसूरत नौलखा हार गिफ्ट किया, उसकी फोटो लगा दी फेसबुक पर। अच्छा मुझे क्या लगता है, फेसबुक पर इस तरह की चीजों की फोटो लगाने का ना केवल एक मकसद होता है, और वो होता है दूसरे घर में आग लगाना। और ये अपने मकसद में सफल भी हुआ, मेरे घर में राड़ हो गई, मैं जैन साहब के पीछे पड़ गई। मैं, मुझे कुछ नहीं पता, निर्मल जी ने अपनी बीवी को हार दिया है, मुझे भी चाहिए। और जैन साहब थे हमारे ठेठ बढ़िया बुद्धि, कहते देख मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मांग के देख ले, तुझे भी दे दें तो। अच्छा जैन साहब से याद आया, एक दिन मैं उनसे कहने लगी, मैंने कहा तुम कभी मुझसे अपने मन की बात नहीं करते।
बस दुकान पे जाओ और काम धंधा। तो उन्होंने अपने मन की बात करी। मैं बताती हूँ क्या कहा उन्होंने मुझसे, सुनो। जैन साहब बोले, सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा, बादलों के रथ पे सवार होके जाने जाना, सात आसमानों की मैं सैर कराऊंगा, परियों के जैसी पोशाक दिलवाऊंगा, मैं लहंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा, सोच रहा हूं कि चार कंधों का जुगाड़ कर लूं, अकेला मैं कैसे तेरे बोझ को उठाऊंगा। ये थे हमारे जैन साहब। और मैं सही बता रही हूँ भाभी जी, वो दिन और आज का दिन मैं दोबारा मन की बात नहीं करने दी इन्हें। अच्छा मुझे बोझ से याद आया, मैं तुम सबको बताऊं, हम जो सेहतमंद लोग होते हैं ना, हमसे मिठाइयां भी बातें करती हैं। सही बता रही हूँ, अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अब मेरे हाथ में गुलाब जामुन है, मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया, कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताज़ा, और मजे की बात देखो ठीक उसी समय गुलाब जामुन भी मेरे बारे में यही सोच रहा है। अच्छा मैं सच बताऊं आपको, रोज सुबह बाबा रामदेव जो है इंडिया टीवी पर योगा करवाते हैं। एक दिन एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात हो गई, क्या दीपाली ये क्या हाल बना रखा है। मैं कहा क्या हो गया बाबा जी, कहते कुछ योगा वोगा किया करो। मैं बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा। तो बाबा जी बोले क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें। मैंने कहा जी योग में क्या धरा है। तो बाबा जी ने देखो योग का क्या बताया है, कहते हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी न एक अंजलि भी उम्र भर, इसीलिए तो पतंजलि फर्म बनाई है। क्या विज्ञापन किया पतंजलि का आपने। भाई जहां से कमाई आ रही है आण दो, उसी का च्यवनप्राश खा खा के ऐसे हो गई हो आप। आपकी लंका क्यों लगी हुई है। ये देखो इन्हें मेरी सेहत से बड़ी दिक्कत है। अब मैं आपको बता दूं कि तुम सूखे हुए छुआरे हो, और मैं किशमिश अफगानी सुन लो। कि तुम सूखे हुए छुआरे हो, मैं किशमिश अफगानी सुन लो, और तुम बिस्लेरी की बोतल हो, मैं मटके का पानी सुन लो। आप क्या समझ रहे हैं। अच्छा अभी हम पीछे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, रूबिया मेरे बराबर में आकर बैठी, कहते दीदी मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, कहते एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा बस इतनी सी बात, वही कर जो मैंने किया था। कहते क्या। मैंने कहा अरे एक लड़का मेरे पीछे भी हाथ धो के पड़ा हुआ था। कहते फिर क्या, मैंने मुंह धो के दिखा दिया। भाई ये नारी जो है ना हर क्षेत्र में आगे है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। कि नूर हूर का देखा मन की बिखर फिखर कर कली गई, एक ही क्षेत्र बचा था जिसमें महिलाएं आगे नहीं थी, उस क्षेत्र में भी आगे हो गई अब। कि नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई, एक मिनट के भीतर भीतर किस्मत अपनी छली गई, इससे पहले सोचू समझू टकरा कर छू मंतर वो, हाथ लगा पॉकेट पर देखा फोन चुरा कर चली गई। बहुत बातें बना रहे हैं। अच्छा आपने हूर की बात करी दिया, तो चार लाइनें मेरी तरफ से भी लो। अच्छा कि मैं तो हूँ कोई अप्सरा परी या हूर सी। आहा आहा अप्सरा हूर, क्या जा रहा है, हंसे नहीं आप। मैं कह रही कहने में क्या जा रहा है। अच्छा कि मैं तो हूँ कोई अप्सरा परी या हूर सी, रोजे के रोज होती है जैसे खजूर सी, पर तुम बहुत हसीन हो क्या जीरो फिगर है। आहा तुम भी बहुत हसीन हो क्या जीरो फिगर है, लचके कमर तुम्हारी करीना कपूर सी। देखो मैं बताऊं, ये जो खुश हो रहे हो ना लड़को, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं तुम्हें छात्रों कि जिंदगी तनहा तुम्हारी कटने वाली है, जिंदगी तनहा तुम्हारी कटने वाली है, आगे बढ़ के पीछे ये तो हटने वाली है, कितनों को अपनी कविता से पागल बना दिया, और तुम समझ रहे हो दीपाली पटने वाली है। अरे कितनों को पागल, आज मैं आपको एक सामने आपके एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे का खुलासा करने जा रही हूँ। आज मैं आपके सामने ये बताने जा रही हूँ कि हमारे देश का मोस्ट एलिजिबल बैचलर
सलमान खान आज तक कुंवारा क्यों है, उसने शादी क्यों नहीं की? सुनाओ, बताओ। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है आप सबके बीच, आप दुनिया के वो पहले लोग हैं जिन्हें ये राज पता चलने वाला है, सुनिए। जी सुनाइए। मेरे ही इंतजार में सल्लू है कुंवारा, सच कह रही हूँ कि मेरे ही इंतजार में सल्लू है कुंवारा, आमिर करना चाह रहा है शादी तिबारा, आमिर करना चाह रहा है शादी तिबारा, जब साफ कह दिया किसी की हो चुकी हूँ मैं, जब साफ कह दिया किसी की हो चुकी हूँ मैं, कैटरीना का दूल्हा बना तब विक्की बेचारा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे तालियां उठाओ जरा, आनंद आ रहा है तो। आपकी जो तालियां होती है ना, ये बूस्टर डोज का काम करती है हमारे लिए, तो जरा तालियां लहराते रहिए अपनी। और बात करते हैं वापस से इस मंच की। मैं आपको सही बताती हूँ, मेरे पास फोन आया निर्मल जी का, कहते दीपाली जी 8 तारीख का कार्यक्रम है कासगंज में। मैंने कहा ठीक है जी, कहते अपनी फोटो भेज दो, मैंने फोटो भेज दी। अब इनका फोन आता है मेरे पास 6 तारीख को कि दीपाली जी कार्यक्रम 8 तारीख का नहीं है, कार्यक्रम शिफ्ट होकर 12 तारीख का हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते अरे नहीं, वो आपकी फोटो भेजी थी, मंच वाला कह रहा है ये आ रही है तो मंच जरा मजबूत बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनका 11 तारीख को फिर फोन आ गया, कहते कार्यक्रम 12 तारीख को भी नहीं है, कार्यक्रम 16 तारीख को है। मैंने कहा अब क्या हो गया? कहते विनोद पाल की फोटो भी तो भेजी थी। अच्छा ये मंच की बातें होती हैं। अब मैं आपके सामने एक और खुलासा करने जा रही हूँ, अब एक खुलासा और है, सुनिएगा। स्वागत। मेरे लिए ही दोस्त तो राहुल है कंवारा। अब बैचलर्स की कमी नहीं है हमारे यहाँ, केवल फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी ना है, राजनीति में भी भरे पड़े हैं। कि मेरे लिए ही दोस्त तो राहुल है कवारा, सड़कों पे मारा फिर रहा है देखो बेचारा, मेरे लिए ही दोस्त तो राहुल है कवारा, सड़कों पे मारा फिर रहा है देखो बेचारा, मेरे लिए ही योगी जी दिल्ली में आ बसे, मेरे लिए ही योगी जी दिल्ली में आ बसे, मोदी जी कह रहे हैं दीपू मैं हूँ तुम्हारा। वो कह रहे सांस एक्सपायर हो गई तुम्हारी। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हम मंच से करते हैं, आप सबको थोड़ी गुदगुदाहट होती है। और आप सबसे बात करना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमारा जो विनोद है इसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो विनोद ने अपनी धर्मपत्नी से कहा अभी शादी की सालगिरह है कोई गिफ्ट मांग ले, तो बोली ऐसा करो पहले तुम ही मांग के निपट लो। तो विनोद ने क्या गिफ्ट मांगा है, कहते काम ये सजनी प्यारा कर मुझसे झगड़े में हारा कर, काम ये सजनी प्यारा कर मुझसे झगड़े में हारा कर, और घर के भीतर कुछ भी कह ले बाहर जाके मत मारा कर। अब फिर बात ये आई बीवी की, वो कह रहा है अब तू मांग, कहती कवि की बीवी हूँ कविता मैं मांगूंगी। अब वो क्या मांग रही है, सोना चांदी मांगू ना हीरो का हार मांगू, सच कह रही हूँ सैया ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी दुनिया सजा दे मेरी, किस्मत बना दे मेरी दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। अगर आपको भी लगता है यही मांगना चाहिए तो जरा दिखाइए कि हाँ यही मांगेंगी हम भी, अब की बार से एनिवर्सरी पर प्रॉपर्टी से ऊपर कुछ नहीं पड़ा। और इसी तरीके से इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जा सकता है, आपकी तालियां मिले तो। बात करूंगी बच्चों की, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और आजकल एक बड़ी प्रथा चल गई है
एक तलाक होता था एक तरीका का जो कागजात पर होता था, और आजकल एक तलाक की प्रथा चल गई है जो कि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर होती है, वो होती है ब्लॉक। आप किसी को ब्लॉक करो, काम खत्म, नक्की। तो चार पंक्तियां ब्लॉक किए हुए व्यक्ति के दिल से क्या निकलता है वो आपके बीच रखती हूं। किया है ब्लॉक क्यों बोलो, जताना चाहते हो क्या? किया है ब्लॉक क्यों बोलो, जताना चाहते हो क्या? बना कर दूरियां मुझसे दिखाना चाहते हो क्या? बना कर दूरियां मुझसे दिखाना चाहते हो क्या? मुझे मालूम है मुझसे तुम्हें अब भी मोहब्बत है, नए माशूक से अपने छुपाना चाहते हो क्या? नए माशूक से अपने छुपाना चाहते हो क्या? तो ये बात हुई फेसबुक की, व्हाट्सएप की, और फेसबुक से जुड़ी चार पंक्तियां और देती हूँ आपको। एक चलता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जी, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक जब मुलाकातें नहीं होती तुम्हारी फेसबुक पर जाके थोड़ा घूम लेती हूँ। बहुत ज़्यादा दिनों तक जब मुलाकातें नहीं होती तुम्हारी फेसबुक पर जाके थोड़ा घूम लेती हूँ, और बिछड़ते वक्त तुमने हाथ जब मुझसे मिलाया था मैं अक्सर याद कर वो पल, हथेली चूम लेती हूँ। मैं अक्सर याद कर वो पल, हथेली चूम।